व्यूअर्स, डिजिटल मॉम पेरेंटिंग में मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। काजल, काजल नज़र का काला टीका जो हम सब अपने न्यूबॉर्न्स के लगाते हैं, लेकिन कई लोग इसको सुपरस्टिशन मानते हैं और वहीं पे कई लोग इसको बड़े शौक से अपने बच्चों के फोरहेड पे, सोल्स पे और पाम्स पे नज़र का टीका लगाते हैं। फ्रेंड्स, मैं भी मेरे डॉटर के हमेशा उसको रेडी करने के बाद में उसके फोरहेड पे काला टीका लगाती हूँ, बट बस मैं उसके डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाती हूँ। यही डिज़ाइंस मेरे फ्रेंड्स बहुत अप्रिशिएट करती हैं, तो आई थॉट आज मैं आपके सामने अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी वो ट्रेडिशनल गोल्ड टीके की जगह अपने बच्चे के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स बनाएं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने डिज़ाइंस ऑलरेडी पहले बना लिए हैं, ताकि थोड़ा सा इजी रहेगा मुझे आप लोग को बताने में के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला ये बेसिक डिज़ाइन है जो हम सब काला टीका लगाते हैं गोल। उससे नीचे नेक्स्ट है ये चांद बनाने की कोशिश करी है मैंने। उससे नीचे मैंने चांद के अंदर एक डॉट बना दिया है। उससे नेक्स्ट ये एक स्माइली है। आप आईज थोड़ी सी और थिक कर सकते हैं, थोड़ा सा स्माइली और ब्रॉड कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट मैंने ये हार्ट शेप बनाया है। नेक्स्ट ये स्टार है, स्टार के नीचे ये सन बनाया है। ये मैंने सबसे ऊपर मिकी माउस का फेस बनाया है, क्योंकि यूजुअली किड्स और मिकी माउस कार्टून्स थोड़ा सा रिलेटेड होता है, तो मैंने मिकी माउस का फेस बनाया है। ये उसके दो ईयर्स हैं। उसके नीचे मैंने ये बो बनाई है, देन हाफ रिदम म्यूज़िक साइन। उसके नीचे मैंने फुल रिदम साइन बनाया है ये म्यूज़िक का। उससे नेक्स्ट अल्फाबेट, जो भी आपके बेबी का नेम है, मेरी डॉटर का नेम ई से स्टार्ट होता है, तो मैंने ई इनिशियल बनाया है उसका। और सबसे लास्ट में मैंने ओम बनाया है। ओम बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ मैंने 12-13 डिज़ाइंस आपके सामने दिखाए हैं। आप चाहे तो अकॉर्डिंगली वेरी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आ रहे हैं, या तो डेली आप एक एक बना सकते हैं। इनके अलावा भी अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद आता है, आप वो भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। कई लोगों की कंप्लेन होती है कि स्पेशली समर्स में जब भी हम काला टीका लगाते हैं, तो वो बहुत इजीली स्प्रेड अप हो जाता है। तो उसका एक सॉल्यूशन मैं बताना चाह रही हूँ कि जब भी आप काला टीका बनाते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर डालिए। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने ये ओम के ऊपर थोड़ा सा पाउडर डाला है, और इसको मैं हल्के हाथों से थोड़ा सा रब करके एक्स्ट्रा पाउडर को रिमूव कर दूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने ओम के ऊपर पाउडर डाल के एक्स्ट्रा पाउडर को रिमूव कर दिया है। इससे आपका जो काला टीका है, जो काजल है, वो इजीली स्प्रेड अप नहीं होगा। वो आराम से आपके 4-5-6 घंटे तक चलेगा, अनटिल एंड अनलेस आपने किसी क्लोथ से उसको आप पोंछ रहे हैं, अदरवाइज़ वो ऐसे रिमूव नहीं होगा, स्वेट से रिमूव नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एक थॉट, एक आइडिया आया था मेरे साथ पास में, तो आई थॉट आई शेयर विद यू ऑल। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।